पूरा सिलेबस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बल्कि बेटे, मैं आपको आपका सिलेबस पूरा बता रही हूँ। एक बार ध्यान से सुन लो और उस हिसाब से जो हो चुका उसे छोड़ के आज के टेस्ट का सिलेबस, कल के टेस्ट का सिलेबस मैं बता देती हूँ कि क्या क्या आएगा। आई एम राइटिंग द होल सिलेबस व्हाट यू हैव इन योर इन दिस टर्म। हमारी तीन कविताएं हैं, एक है साखी, एक है मीरा के पद, नहीं सिर्फ पद, और पर्वत प्रदेश में पावस। अब इनके राइटर जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। साखी के राइटर हैं कबीर जी, पद के राइटर हैं मीरा, एक्सक्यूज मैम, प्रदेश में। हाँ जी बोलो। पर्वत प्रदेश में पावस ये सिर्फ सितंबर के पेपर्स में आनी है, हाँ तीसरी कौन सी है? तीसरी ये है ही नहीं। आपने ये करवाई जरूर है लेकिन ये पेपर्स में आनी है क्योंकि सब दो वो। ही है इस बार, दो ही है। यस मैम, इस बार दो है बस। अच्छा ये नहीं है पक्का? यस मैम पक्का, आपने नहीं ओके बोली थी ये पहले। ओके ओके ओके, आई एम गोइंग टू रब। नहीं है ना ये पक्का? नहीं है ना? ओके दो ही है बेटे, दो ही है। ठीक है, अब हमारे उधर से तो तीन लेसन है। ठीक है, पहला लेसन है बड़े भाई साहब। अरे नहीं, टोटल टोटल बच्चे बड़े भाई साहब। दूसरा लेसन है ततारा व मीरू, और तीसरा लेसन है अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। ये टाइटल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब इनके राइटर्स हमें देखने होंगे, आप अपने आप देख लेंगे, मुझे पता है। बड़े भाई साहब का है प्रेमचंद जी, और ततारा व मीरो के कौन है? लीला मंडलोई। देखो जरा, ततारा व मीरो, लीलाधर मंडलोई। और अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, निदा फाजली। ठीक है बच्चे, ये हमारा सिलेबस है लिटरेचर का। याद रखना हमारे एमसीक्यूज में आने हैं, सारे एमसीक्यूज आने हैं हमें। हमें सीधा क्वेश्चन कोई नहीं आना। जब एमसीक्यूज होते हैं तो हमारा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे इस बार के पेपर में मैम ने डाला था नीलकंठ, आपको है ना, ऑप्शंस डाली थी नीलकंठ। नीलाकंठ है जो, नीलाकंठ है जिसका। तीसरी ऑप्शन थी क ख दोनों, तो आंसर था तीसरा, क ख दोनों, है ना। नीलकंठ को नीलाकंठ है जो भी कह सकते हैं। जैसे मोर का, मोर नील, उसे नीलकंठ देखकर उसका नाम ही नीलकंठ रख दिया गया। ठीक है, तो मतलब नीलकंठ मीन्स नीलाकंठ है जो, और नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका, शिवजी या फिर एक स्पेशल चिड़िया, तो बहुब्रीहि में चला जाएगा। यानी क ख दोनों ऑप्शन से। आफ्टर डूइंग दिस वी आर हैविंग फोर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट इज पदबंध, सेकेंड इज वाक्य, थर्ड इज समास, फोर्थ इज मुहावरे। वेरी सिंपल, चार 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 चार, 16, 10 नंबर के दो पैराग्राफ्स, अनसीन। सोलह और 10, 26।
26 और ये है हमारा 5, 5 + 4 बस। हाँ समझ आएगा भी नहीं इतनी जल्दी ना। 5 मार्क्स की पोइट्री, 5 + 4 ये, यानी लेसन्स ज्यादा हैं तो वी विल गेट 2 क्वेश्चंस, 2 सीन पैसेजेस, ठीक है। 2 सीन पैसेजेस आएंगे जिनमें से हमें करने होंगे और वो हो एक ही आएगा। बेटा क्लियर, किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। राघव क्लियर बच्चे, ये मैंने पेपर का पैटर्न बताया, क्लियर सबको क्लियर है? यस मैम। 40 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स की आपकी असेसमेंट है, ये जो रिवीजन टेस्ट दे रहे हो, ठीक है बच्चे? ओके, अब आप मुझे जहां से कहोगे मैं शुरू कर देती हूँ, यही ग्रामर ही आप कहेंगे मुझे शुरू करो या लेसन। चलिए आज सारा कुछ डिपेंड करता है केवल और केवल राघव पे। बेटे राघव मैं क्या शुरू करूं, आप इसमें से क्या करना चाहेंगे? 5 और 4 10 चीजें हैं हमारे पास, आप क्या शुरू करवाना चाहेंगे मुझसे, मैं वो शुरू करूंगी बच्चे। या सक्षम बता दे मुझे, 20 सेक्शन वाला सक्षम, सक्षम हैव यू गॉन, चला गया हुआ है सक्षम? करवा दो जी, बच्चे जो चला जाता है हमारे, कौन सा 50-60 स्टूडेंट्स की क्लास है, हम तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, जो चला जाता है छोड़ के वो मुझे नजर आता है, ठीक है। चलिए ततारा वमीरो, वैसे हम पक चुके हैं करते करते, बहुत बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, फिर भी मैं इन शॉर्ट कोशिश करती हूँ आधे घंटे में तीनों लेसन हो जाए हमारे, ठीक है। स्टार्टिंग विद ततारा ममीरो, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले भी और भाई साहब भी। हाँ एक्सक्यूज मैम, बोलो मैम, आप समझाने के बजाय सिर्फ वो लाइंस लिखवा दो कि हमें वो लेसन दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। क्या कहा आपने बच्चे? मैम आप समझाने के बजाय ऐसी लाइंस लिखवा दो कि हमें वो लेसन दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। दोबारा पढ़ना ही ना पड़े मैम, तो और रीडिंग ना करनी पड़े उसकी दोबारा। बेटे मेरे पास इस समय मटेरियल नहीं है, कल मैं इसके लिए प्रिपेयर होके आ सकती हूँ बच्चे, ठीक है दक्षिता? ओके मैम, ठीक है कल प्रिपेयर होके आ सकती हूँ, ओके आज अभी लेसन समझ लो। ओके जी, देखिए आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ततारा वमीरो, ये दोनों जवान जोड़ा है, ठीक है, लविंग कपल है, एक का नाम है ततारा, एक का नाम है वमीरो, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारे पास, एक है अंडमान और निकोबार, ये दो द्वीप समूह हैं जिसे आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, इन दोनों द्वीपों पे ये रहने वाले हैं, ठीक है। ततारा एक शाम बहुत थका हुआ जाकर रेत पर लेटता है तो उसे दूसरी तरफ से तैरती हुई एक सुंदर मधुर आवाज सुनाई देती है, सॉरी आवाज कभी सुंदर नहीं होती, मधुर आवाज सुनाई देती है, वो उस आवाज की तरफ खींचा चला जाता है और उसी तरफ बहता जा रहा है। वहां पर एक लड़की जिसका नाम वमीरो है, वो तो बाद में बताती है, वो एक लड़की बेटे वहां पर गीत गा रही है, श्रृंगार गीत गा रही है, श्रृंगार मतलब रोमांटिक, रोमांटिक गीत गा रही है वो लड़की जिसकी तरफ वो बहता जाता है। एक तेज लहर आती है और वमीरो को भिगो जाती है तो उसे समझ में आती है कि मुझसे पास खड़ा कोई लड़का देख रहा है मुझे,
ठीक है, तो वो ततारा उससे पूछता है कि अपना नाम बताओ, तो वो कहती है कि मुझे आप मेरे गांव के नहीं लगते और किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। ठीक है, तो वो उस कुछ नहीं सुनता, ततारा तो जैसे उसको देखकर अपनी सुध बुध भूल चुका है, वो केवल उसे यही कहता है अपना नाम बता दो। ठीक है, तो वो अपना नाम जाती जाती बता देती है, वामीरो। ये भी जोर से चिल्लाता है, मेरा नाम ततारा है और कल भी मुझे इसी चट्टान पे मिलोगी। ना वो हाँ कहती है ना कहती है और भागी चली जाती है। ततारा को अगले दिन का इंतजार रहता है। किसी तरह दोनों की बोरिंग रात बीतती है, उबाऊ रात। क्यों? क्योंकि ततारा को तो प्रतीक्षा है, कब कल मॉर्निंग होगी, कब मैं दोबारा उसकी झलक देख पाऊंगा। और वमीरू जैसा उसके दिमाग में एक पति को होना चाहिए, वैसी पिक्चर उसके सामने आई वमीर ततारा के रूप में। ठीक है, अपने आप को झटका देती है, नो आई डोंट वांट टू थिंक, मैं नहीं सोचना चाहती उसके बारे में, क्योंकि हमारी शादी नहीं हो सकती, वो अलग गांव का है। लेकिन चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसका दिमाग उसी तरफ सोच रहा है, लगातार उसी के बारे में सोच रही है। झूठा अपने आप को धक्का देती है कि नहीं सोचना, पर उसी के बारे में सोच रही है। ठीक है, अगले दिन ततारा समुद्री रेत पर इंतजार कर रहा है। उसे पता है, पता नहीं वमीरो आएगी या नहीं आएगी, कब उसकी जो उम्मीद है ढलते सूर्य के साथ डूब जाएगी, पता है उसे, फिर भी इंतजार कर रहा है। देखता है उधर से वमीरो आ रही है, दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं, एक दूसरे को देखते हुए बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं। अंदर ही अंदर समर्पण चल रहा है, यानी मुंह से कुछ नहीं बोलते, एक्शंस कुछ नहीं करते, ठीक है, अंदर ही अंदर कुछ बातें हो रही हैं जो चल रही हैं, और आपस में एक दूसरे को समर्पित हो रहे हैं, एक दूसरे को पक्के वादे कर रहे हैं बिना बोले। ठीक है जी, तो वो समर्पण चलता जा, इसी तरह वो रोज मिलते हैं, रोज समर्पण चलता है। ठीक है, हर रोज मिलते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। अब ये बात आग की तरह दोनों गांवों में फैल जाती है, तो लड़की को तो प्रताड़ित करना शुरू हो जाते हैं ना, लड़की की माँ उसे बोलती है। अब एक बार क्या होता है बेटा, पशु पर्व होता है। पशु पर्व मीन्स, पशु पर्व का वर्णन कर रही हूं मैं यहाँ पे आपको, ये क्या था पशु पर्व, क्या था बेटा पशु पर्व में, क्या होता है कि जानवरों की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जानवर के साथ जानवर, जैसे मुर्गे के साथ मुर्गे को, भैंस के साथ भैंस को। लड़वाया जाता है, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, खाने का इंतजाम होता है। अब ततारा की पर्सनैलिटी ऐसी है, उसका व्यक्तित्व तो ऐसा है, पहले लेसन में स्टार्टिंग करते हुए उसके व्यक्तित्व का पूरा वर्णन किया गया है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, हर समय मदद करने के लिए तैयार रहता है, अपने गांव के लोगों की नहीं, बाहर के गांव के लोगों की मदद करने को भी हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, तो इस चीज का वर्णन किया गया है। एक उसकी और खासियत बताई गई है, उसके पास एक तलवार थी जो हर समय अपने बांधे रखता था। ठीक है, वो तलवार लकड़ी की थी, कभी उसका प्रयोग करते हुए किसी ने नहीं देखा उसे, लेकिन माना जाता था वो तलवार दैवीय शक्ति से भरपूर थी। दैवीय शक्ति, उस तलवार में दैवीय शक्ति थी, दैवीय शक्ति, देवताओं की शक्ति, देवताओं की शक्ति, उस तलवार में दैवीय शक्ति, यानी चमत्कारी तलवार है, लेकिन कभी उसका प्रयोग करते हुए किसी ने नहीं देखा। ठीक है बच्चे, तो हम आगे चल रहे हैं, गॉड ब्लेस, आगे चल रहे हैं हम। ही वॉज इन दिस स्टूडेंट टॉपर ऑफ, हाँ वेरी गुड सिंगर ही इज, ओके। तो दैवीय शक्ति थी बच्चे,
तो उसे कभी किसी ने वो तलवार यूज करते नहीं देखा। अब पशु पर्व का आयोजन चल रहा था, ततारा की आंखें चारों तरफ वामीरों को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वामीरों नजर नहीं आई। फिर किसी पेड़ के पीछे परछाई के रूप में उसे नजर आई। डाउट था उसे ये वामीरो होगी, पर सच में वो वामीरो थी, ठीक है, जो रो रही थी, जो कि रो रही थी वहां पर, ठीक है। तो बेटे अब ये ततारा कुछ नहीं कर पाया, उसका रोना देखकर उसे और गुस्सा आ गया, कुछ नहीं कर पा रहा था, अपने आप को बड़ा मजबूर समझ रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा वामीरों के लिए। तो उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से, शक्ति भर, यानी जोर लगाकर, शक्ति भर, जोर लगा के जमीन में घोंप दिया और उसे गुस्से का शमन करने के लिए खींचता चला गया। गुस्से का शमन करने के लिए वन मोर स्टूडेंट लेफ्ट, हु इज लेफ्ट? वैभवी, राघव, तनवीर, परम, सक्षम, आर्ची, पलक, वेयर इज प्राची? दो बच्चे गए, यानी जिसको लग रहा है ना कि लेसन पुराना किया हुआ है वो भाग रहे हैं, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। देख लो राघव, ऐसा होता है। हाँ, दो बच्चे चले गए मेरे देखते देखते, कितनी इंसल्ट फील होती है टीचर को अपनी। चलिए डैम केयर। तो उसने जमीन में घोप दिया उस तलवार को और जोर से खींचता गया अपना, अपने गुस्से का शमन करने के लिए, यानी अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए, अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए, ठीक है, खींचता गया। अब वहां जहां से वो तलवार खींचता गया, वहां से द्वीप के दो टुकड़े हो गए, द्वीप दो हिस्सों में बट गया। अब दोनों के द्वीपों के नाम याद कर लेना, ततारा किस द्वीप का था और वमीरो किस द्वीप की थी, ये लिखा हुआ है हमारे लेसन में, ठीक है। तो द्वीप के दो टुकड़े होने लगे, द्वीप दो हिस्सों में बट गया, एक तरफ ततारा रह गया, दूसरी तरफ वामीरो रह गई। ततारा समुद्र में डूब गया, वामीरो पागल हो गई, उसके बाद वामीरो को किसी ने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन इसका अंत क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज, क्वेश्चन है कि जब भी परंपराएं बोझ बन जाएं तो उनका टूट जाना अच्छा। जब भी कोई परंपरा हमारे ऊपर बोझ बन जाती है, हमारे विकास में बाधा बनती है, तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। अब ततारा वमीरो देवर इन लव ना, तो उनकी शादी करवा देते, दोनों मतलब गांवों को फायदा होता, दोनों गांवों को एक रक्षक मिल जाता ततारा जैसा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ततारा की जवानी में मृत्यु हो गई, वमीरो भी मारी गई, उसके बाद संबंध स्थापित होने लगे दो गांवों में, और तब से ही ये दो अलग अलग द्वीप बन गए हैं, ठीक है, निकोबार और लिटिल अंदमान, दोनों अलग अलग द्वीप हो गए हैं, दोनों की मृत्यु से संबंध स्थापित किए जाने लगे। कोई भी रूढ़ी अगर हमारे विकास में बाधा होती है तो उसे टूट देना चाहिए, है ना। अब जाते हुए बिल्ली रास्ता काट रही है, पता नहीं बिल्ली बेचारी मुसीबत में है या हम मुसीबत में है, काट रही है रास्ता, तो हम कहेंगे हम काम ही नहीं करेंगे, जाके मंजे से सो जाइए कि बिल्ली रास्ता काट गई, उन्नी में जाना, एंड दिस इज नॉट फेयर। जो परंपराएं हमारी उन्नति में बाधा बनती हैं उनका टूट जाना ही अच्छा है, ठीक है। दिस वॉज द लेसन, ततारा वामीरो, ओके, लेट अस टॉक अबाउट। अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, कहां है अब दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, है ही नहीं। यहां पे कुछ व्यक्तियों का वर्णन है, एक है सुलेमान। मैं बड़े भाई साहब के इसलिए नहीं चली क्योंकि वो अभी आपको साधना मैम ने करवाया है ना, इसलिए मैं उस तरफ नहीं चली। सुलेमान शेख अयाज के पिता, नहीं आप पढ़ रहे हो, बोल देना मैम ने नहीं आने दिया, कवि शेख अयाज के पिता। तीसरा है बच्चा यहाँ पे कौन था, नूह, और लेखक। ये चार पात्र हैं हमारे इस लेसन में, ठीक है, ये चार पात्र इस लेसन में मेन हैं बच्चे। वेयर इज राघव? आई वॉन्ट टू सी है राघव, ओके। सुलेमान एक राजा है, सुलेमान एक राजा है। एक बार ये अपना लश्कर लेकर, अपने घोड़े लेकर जा रहा था, सामने से चींटियों की एक
कतार जा रही थी, चींटियों की एक कतार जा रही थी, तो उन चींटियों ने आपस में कहा घोड़े आ रहे हैं भागो। तो सुलेमान उस समय जानवरों की भाषा समझ सकता था। उसने चींटियों से कहा मैं रक्षक हूं भक्षक नहीं, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने अपना काफिला रोक दिया और चींटियों को निकल जाने दिया। ठीक है, एक ये कहानी है। दूसरी कहानी है कवि शेख अयाज हैं, उनके फादर एक बार कुएं पे नहाने गए, आकर खाना खाने बैठते हैं, उनकी माताजी ने खाना परोसा उन्हें, तो वो क्या देखते हैं कि उनकी बाजू पर एक चींटा रेंग रहा है, एक कीड़ी रेंग रही है, मोटी वाली चींटा, चींटा रेंग रहा है, चींटी नहीं चींटा जो मोटा होता है ना। वो उसी समय खाना खाते हुए उठ खड़े हुए और उस चींटे को छोड़ने निकल पड़े। पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा एक बेघर को उसके घर पहुंचाने जा रहा हूं। ठीक है, यानी मैं इसको बेचारे को कुएं से लाया हूं, यहां फेंक दूंगा तो बेचारा अपना घर कैसे ढूंढेगा, मैं इसे कुएं पे छोड़ने जा रहा हूं, एक बेघर को उसके घर छोड़ने जाता। तो यहाँ लेखक कहता है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, है ना, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं सोचते, अब ऐसा दुख मनाने वाले लोग नहीं है। सुलेमान राजा की बात हो गई, कवि शेख अयाज की बात हो गई, नाउ वी विल टॉक अबाउट नूह। बेटा नूह नाम का एक पैगंबर, ठीक है, उसने किसी मुसलमान धर्म में कुत्तों को बड़ा अच्छी माना जाता है। नूह नाम के पैगंबर ने एक बार एक कुत्ते को कह दिया छी गंदे कुत्ते। अब वो कुत्ता उनकी भाषा जानता था, उस कुत्ते ने जवाब दिया ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं और ना ही आप अपनी मर्जी से इंसान बने हैं। जब नूह को ये बात समझ में आई, मिट्टी में मिट्टी मिले होकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, यानी हम भी मिट्टी के हैं वो भी मिट्टी के हैं, जब मिल जाएंगे आपस में जमीन में तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा इंसान है कौन सा कुत्ता है। ठीक है, तो जब उन्हें ये बात पता चली तो बेटे उन्हें इतना दुख हुआ अपने कहे हुए शब्दों का कि वो सारी उम्र ताउम्र रोते रहे। सारी उम्र उन्होंने रोकर गुजारी कि मैंने एक कुत्ते को ऐसे शब्द कैसे कह दिए। अब कहाँ है ऐसे दुख में दुखी होने वाले, नहीं है ना। ठीक है, लास्ट इज लेखक। अब यहाँ पे पहले लेखक की माँ की बात आती है। एक बार क्या हुआ, एक घोंसले में किसी कबूतर ने अंडे दिए थे, बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने उसे ठीक करने की कोशिश की कि मैं घोंसला सीधा करके रख दूं कहीं दूसरा ना टूट जाए। उसके इस प्रयत्न में दूसरा अंडा भी टूट गया। अब लेखक की माँ को इतना दुख हुआ कि उसने रोजा रखा, व्रत रखा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है ना, सारा दिन रोजा रखा। ठीक है, लेखक यहां कहता है कि हम लोग समुद्र को धक्का देते जा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, है ना। तो समुद्र जो जितना बड़ा होता है ना उसका दिल भी बहुत बड़ा होता है, उसमें सहन शक्ति भी बहुत होती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है। ठीक है, समुद्र को जब पीछे सरकाते गए हम, सरकाते गए अपनी बिल्डिंग्स बनाते गए, लेकिन जब समुद्र ने अपनी लहरों से धक्का दिया तो हमारी लेसन में तीन जहाजों का वर्णन है। कौन सा जहाज कहाँ फेंका ये आप अपने आप पढ़ेंगे। ठीक है, बांद्रा है, वर्ली है, पता नहीं कहाँ कहाँ तीन जहाज फेंके जो दोबारा कभी भी प्रयत्न करने पर भी चलने लायक नहीं बने। यानी सुनामी क्या करती है ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। वैसे तो समुद्र कोई किनारा नहीं होता पर कभी किनारा तोड़ के बाहर भी नहीं आता, वेरी रेयर इट इज। ओके, तो फिर उसने कहा कि लेखक पहले मुंबई रहता था फिर ग्वालियर चला गया, कि पहले ग्वालियर रहता था फिर मुंबई आ गया शायद, वहां तक के रास्ते में उसने कहा सारे जंगल साफ कर दिए गए। लेखक ने अपने घर के बारे में बताया कि मेरे घर में भी किताबों वाले कमरे में कबूतर या चिड़िया
अपने अंडे देने आती थी, घोंसला बनाने आती थी, मेरी पत्नी ने वहां जाली लगा दी। अब वो बार ही बार भटकते रहते हैं बेचारे, हम उन्हें घुसने नहीं देते, हम अपनी सीमा रेखा बना के रह जाते हैं और जानवरों को अपना घर नहीं बनाने देते, ये हमारी बुरी बात है। ठीक है, ये वर्णन किया है उसने। ओके, साथ में उसने कहा है कि आज आगे लोग रहते थे ज्वाइंट फैमिली में मिलकर, लेकिन आज हम रहते हैं डिब्बे जैसे छोटे छोटे घरों में, लेकिन आइसोलेटेड होके अपना। ठीक है, पहले लोग बड़े बड़े दालानों में छोटे कमरे में कई कई लोग रहते थे, हाँ अब हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, अलग अलग रहते। दिस वॉज होल लेसन। ठीक है, अंडरस्टूड? जो बोर हो रहे थे, हाँ बेटा बोला किसी ने कुछ नहीं? ओके, तो दिस वॉज होल अबाउट लेसन्स। नाउ आई एम गोइंग टू, वैसे मुझे लगता है टाइम 5 मिनट रह गए, होने वाला है टाइम, 5 मिनट और लूंगी सिर्फ। हाँ, समास और पदबंध और वाक्य के बारे में थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी इसमें बेटे। पदबंध, जब पदों को बांधा जाता है, 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब पदबंध क्या होता है? मैं नहाकर स्कूल जाऊंगा। अब मैं इसमें से किसको अंडरलाइन करती हूँ डिपेंड करता है। अब मैं करती हूँ स्कूल जाऊंगा, अब मैं कहती हूँ पदबंध बताओ, तो हमने लास्ट वाला देखना है, ये क्रिया पदबंध है, आखिरी शब्द देखना है। ठीक है, क्रिया पदबंध है। ओके, मैं इसको मिटा रही हूं, हाँ जाऊंगा जाऊंगा, आखिरी वाला देखना है, लाइन जहां खत्म होती है वो देखना है। ठीक है, अब मैं कर देती हूं मैं नहाकर स्कूल, ये स्कूल क्या है? संज्ञा, ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, अब मैं इसको और शॉर्ट छोटा कर देती हूं, ये देखिए मैं नहाकर, तेरे मारूंगी, आखिरी वर्ड देखना, लाइन जहां खत्म होती है, नहाकर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, मतलब लाइन जो लगी हुई है ना उसका अंत देखना है आपको। ठीक है, तो पदबंध होता है लाइन के अंत में जो वर्ड है। ओके, आगे देखिए, पदबंध के बाद आते हैं हमारे पास वाक्य। वाक्य बेटे 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र, मिश्र को ही मिश्रित कहा जाता है, और संयुक्त। अब देखिए सीक्वेंस यही रहने देंगे तो गलती नहीं लगेगी। सरल ये वाला वाक्य होता है जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं लेकिन 1 क्रिया पहले हो चुकी होती है। मैं नहाकर स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़कर सो जाऊंगा। ठीक है, कर और के कारण बीच में होता है, के बाद, के कारण, मैं दूध पीने के बाद स्कूल गया, ये सरल वाक्य है। ठीक है, मिश्र में क्या होगा? जब, तब, जो, सो, जैसा, वैसा। जब मैं नहाऊंगा तब मैं स्कूल जाऊंगा, ज्यों ही मैं नहाऊंगा त्यों ही मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ ठीक है, जब, तब, ज्यों, त्यों, जो, सो से ये वाक्य बनते हैं, मिश्र वाक्य। ओके, लेकिन एक मिश्र वाक्य और है बेटे जो बनता है की से, ये हमेशा ही मिश्र वाक्य होता है। गीता में कहा है कि कर्म करो, की वाला हमेशा मिश्र होता है। ओके, नाउ कमिंग टू संयुक्त। संयुक्त होता है बेटे और, या, किंतु, परंतु, और, या, किंतु, परंतु। ठीक है, ये 4 संयुक्त के हैं। 2 वर्ड और हैं इसलिए क्योंकि, उसको आपने छूना नहीं। अगर तो दोनों शब्द यूज हैं, इसलिए क्योंकि, नोट इट डाउन, इसलिए और क्योंकि अगर दोनों हैं तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा पाया, ये संयुक्त होगा। अगर एक वर्ड यूज है तो वो मिश्र होगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि आप इन दोनों शब्दों को हाथ ना लगाएं, बस इतना लिख लो, कहीं अगर कंफ्यूजन आ जाए तो जब दोनों वाक्य में यूज होंगे इसलिए और क्योंकि, तो वो होगा संयुक्त।
ठीक है, और या किंतु परंतु, परंतु में सेकंड हिस्सा नेगेटिव हो जाता है। मैंने विनीत को बहुत समझाया परंतु विनीत नहीं माने, ये संयुक्त होगा। ठीक है, मैंने विनीत को बहुत समझाया पर विनीत नहीं मानी, ये भी संयुक्ति है, क्योंकि पर कैन बी कन्वर्टेड इनटू परंतु। ठीक है, डन, ओके। मेरे कहने पर विनीत ने मान लिया, ये कौन सा वाक्य है? मेरे कहने पर विनीत ने मान लिया, सरल। ठीक है, ओके, क्लियर। मैं इतना ही शॉर्ट में समझा सकती हूँ तीनों। नाउ कमिंग टू समास, वो तो लंबा है, कल करेंगे समास। ठीक है बच्चे, समास लंबा है, कल करेंगे। होपिंग फॉर टोटल अटेंडेंस, और कल के लिए जो शेड्यूल आपका टेस्ट का है वो मैं आज अभी डाल देती हूँ बाद में जाके। ओके बच्चे, गुड बाय, टेक केयर।